वाहन चालकों व वाहन मालिकों को जिला परिवहन पदाधिकारी ने दिया कई आवश्यक दिशा निर्देश। News9 Times पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा 2 के कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में परिवहन के नियम संदर्भ में वाहन चालकों व वाहन मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में DTO ने सर्वप्रथम BDO प्रणव कुमार गिरी एवं बगहा थानाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह एवं लौकरिया थानाध्यक्ष राजकुमार की उपस्थिति में परिवहन के नियम को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सख्ती से पालन कराने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान ऑटो चालकों एवं ऑटो मालिकों को निर्देशित किया गया कि बगहा में लगभग 300 से 400 तक ऑटो चलते हैं, जिसमें 70% ऑटो का फिटनेस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सभी वाहन मालिकों द्वारा वाहन चालकों को डाटा प्रखंड कार्यालय में सुपुर्द करेंगे। ऑटो या अन्य गाड़ी के आगे पीछे नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य बताया गया। ऑटो के मीटर, ऑटो मालिक का नाम एवं चालक का नाम, पता, नंबर प्लेट एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि यात्री को पता चल सके कि ऑटो या गाड़ी किसकी है, चालक का रहने वाला है। ऑटो का रजिस्ट्रेशन डिवाइडर फिटनेस नहीं होने पर प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं माइनर ऑटो, कार या अन्य गाड़ी एवं मोटरसाइकिल चलाता है तो 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। DTO ने बताया कि वहीं अगर नाबालिग वाहन या मोटरसाइकिल चलाता है तो 25,000 जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, साथ ही अभिभावक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी चंपारण में 38 प्रदूषण सेंटर हैं, जहां सभी वाहन चालकों व मालिकों को प्रदूषण लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वहीं दो पहिया वाहन चलाने वाले, हेलमेट नहीं लगाने वाले एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, पहले लर्निंग एवं उसके बाद हैविंग लाइसेंस दिया जाएगा। बैठक में टेम्पो चालक एवं वाहनकर्ता में भानु पासवान, हीरालाल साह, तारकेश्वर पंडित, शिवनाथ चौधरी, रामजी दास, अवधेश प्रसाद समेत दर्जनों की संख्या में लोग शामिल रहे। News9 Times मुख्य उद्देश्य था कि मोटर साइकिल एक्ट का पालन ऑटो चालकों द्वारा कराया जा रहा है। और सब क्या दिशा निर्देश दिया गया, सब पुलिस प्रशासन को भी दिया गया सब दिशा लोगों को वाहन का परिचालन एमवीआर के तहत करें और गाड़ी के आगे और पीछे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएं और फिटनेस, प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे कागजात दुरुस्त रखें, परमिट ऑटो चालकों को सर दिशा दिए ऑटो चालकों को सकते सर। बाइक चालकों को भी क्या दिशा दिशा दिया गया? बाइक चालकों के बारे में बाइक चालक ये सारी जो कागजात हैं वो भी रखें, प्लस हेलमेट लगा कर चलें और अपनी भी सुरक्षा करें, दूसरे को सुरक्षित रखें, हाई स्पीड नहीं चलाएं। बच्चों संबंधित भी सर जागरूक किया गया उसमें, नाबालिग जो है अगर नाबालिग गाड़ी चलाता है तो 25,000 रुपये का फाइन है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा और उनके अभिभावक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी।